तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बड़ी आबादी इस वक्त अपने घरों में कैद है। क्रिकेट के दीवानों के लिए हम हमेशा की तरह इस बार भी क्रिकेट से जुड़े अनसुने रिकॉर्ड्स की जानकारी लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको आईपीएल से जुड़े तमाम रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स बताए थे, इसी कड़ी में आज हम आपको आईपीएल के रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल के तीसरे सीजन में कितने शतक लगे। आईपीएल के तीसरे सीजन में कुल 4 शतक लगे। आईपीएल 3 में शतक जड़ने वाले 4 बल्लेबाजों में से 2 भारतीय थे। अब इन भारतीयों में सबसे पहला नाम यूसुफ पठान का है। दरअसल साल 2010 में खेले गए सीजन में तूफानी बल्लेबाज यूसुफ पठान ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 37 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर सनसनी मचा दी थी। यूसुफ की तरफ से लगाया गया यह शतक आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। पठान ने 13 मार्च 2010 को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 270.27 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की 100 रनों की पारी खेली। यूसुफ की इस पारी में 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे, लेकिन अफसोस यूसुफ पठान की यह आतिशी पारी राजस्थान रॉयल्स को जीत नहीं दिला पाई। दरअसल इसमें मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 212 रन बना लिए थे। जवाब में राजस्थान की पूरी टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 208 रन ही बना पाई और 4 रनों से मैच हार गई। मैच में यूसुफ पठान 100 रन बनाने में कामयाब रहे। अगर वे आउट नहीं होते तो राजस्थान रॉयल्स उस वक्त मैच जीत जाता। इसी कड़ी में दूसरा नाम डेविड वार्नर है। आईपीएल के तीसरे सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने सीजन का दूसरा शतक जमाया था। वार्नर ने 29 मार्च 2010 को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 107 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दिल्ली को एक बड़ी जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए। इसमें वार्नर का नाबाद शतक शामिल है। सहवाग के साथ ओपनिंग करने आए वार्नर ने अंत तक बल्लेबाजी की और 69 गेंदों में 155.07 की स्ट्राइक रेट से 107 रन बनाए। वार्नर की पारी में 5 छक्के और 9 चौके शामिल थे। दिल्ली के 177 रनों के जवाब में कोलकाता की पूरी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाई और 40 रनों से मैच हार गई। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज हैं मुरली विजय। चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाज मुरली विजय आईपीएल के तीसरे सीजन में शतक जड़ने वाले 4th बल्लेबाज थे। मुरली ने 3 अप्रैल 2010 को खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 56 गेंदों में 226.78 की स्ट्राइक रेट से 127 रनों की शानदार पारी खेली। मुरली ने अपनी इस पारी में 11 छक्के और 8 चौके जड़े थे। मुरली विजय की इस शानदार पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 23 रनों से हरा दिया था। इससे पहले चेन्नई ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 246 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। मैथ्यू एडन के साथ ओपनिंग करने आए मुरली विजय 127 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मिले 247 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन निर्धारित ओवर्स में लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 223 रन बना सकी और 23 रनों से मैच गवा बैठी। इसके बाद नंबर है महिला जयवर्धने का। साल 2010 में खेले गए आईपीएल के तीसरे सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की महिला जयवर्धने ने सीजन का 4th और अंतिम शतक लगाया था। जयवर्धने ने नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए 59 गेंदों में 186.44 की स्ट्राइक रेट से 110 रनों की नॉट आउट इनिंग खेली थी। जयवर्धने ने अपनी पारी में 3 छक्के और 14 चौके जड़े थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। इसके जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब ने 18.2 ओवर्स में 2 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। पंजाब के लिए ओपनिंग करने आए जयवर्धने ने अंत तक बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जिताकर ही दम लिया। जयवर्धने के इस शतकीय पारी की बदौलत किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से शिकस्त दी।